सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस सुबह में परमेश्वर ने हमें रात भर संभाल के रखा। इस सुबह में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर की प्रिय संतान कैसे बने, और परमेश्वर आपके कामों को और आपको कैसे आशीषित करेगा। आइए हम वचन से जानेंगे, और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। यदि आप इन कामों को करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आइए हम वचन पढ़ेंगे। फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 2 और उसकी 14 और 15 आयत। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। इसी के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जो भी काम करते हैं उन्हें बिना कुड़कुड़ाए या बिना लड़ाई झगड़े के करने चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारे कामों को आशीषित करे और हम परमेश्वर की प्रिय संतान बन सकें। और मेरे प्रिय भाई बहनों, निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। यहाँ वचन कहता है ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, जो बुरे और दुष्ट मनुष्य होते हैं, जो हठीले और टेढ़े होते हैं, उनके बीच में परमेश्वर की निष्कलंक संतान ठहरो, ताकि हम परमेश्वर की प्रिय संतान बने और हमारा परमेश्वर हमसे खुश रहे, प्रसन्न रहे कि मेरी संतान निर्दोष है। और जो टेढ़े और हठीले लोग होते हैं उनके बीच में और जगत में परमेश्वर के जलते दीपकों के समान दिखाई देते रहो। जब हम सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको कोई भी काम दिया है, चाहे वो जॉब है, चाहे आप घर में कुछ भी काम कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, तो आपको उन कामों को बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के करने चाहिए। आपको विवाद नहीं करना चाहिए, आपको लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। हम में से बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो अपने काम को कुड़कुड़ा कर करते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं। और जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हो और जब आप परमेश्वर के वचन को और लोगों में लेके जाते हो, तो लोग आपके व्यवहार को देखकर आशीषित होते हैं। वहाँ हमारे परमेश्वर की बढ़ाई होती है। और जब आप जीवन का वचन लिए हुए जगत में घूमते हो, तो आप जलते हुए दीपक के समान दिखाई पड़ते हैं। जब परमेश्वर आपको इन सब का प्रतिफल देता है जो आप परमेश्वर के लिए करते हैं, आप परमेश्वर में घमंड करते हैं कि मेरा परिश्रम करना व्यर्थ नहीं हुआ, मेरा मसीह में दौड़ना व्यर्थ नहीं हुआ। इसलिए आपको परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहना है। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मेरे प्यारे पिता। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। सच में मेरे परमेश्वर, आप तारीफ और प्रशंसा के योग्य हैं। प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। सच में परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं। मेरे खुदा, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें रात भर संभाला और परमेश्वर इस नए दिन को हमारे जीवन में जोड़ा। हम सब मिलकर परमेश्वर आपकी महिमा करने पा रहे हैं, ये आपका अनुग्रह है, आपकी दया है। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ प्रार्थना में हैं और इस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव करते हैं, मेरे खुदा आप उन्हें आशीषित करें ताकि परमेश्वर आपके वचन को सुनना व्यर्थ ना जाए, आपके वचन में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, हमारी अगुवाई करें। हम आपको पुकारते हैं, हमारे जीवन में आइए। मेरे खुदावन, आपकी बुद्धि समझ को हम मांगते हैं। परमेश्वर, हर एक जन को अपनी बुद्धि से भर दीजिए, अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि परमेश्वर हम आपकी अगुवाई में चल सकें, आपके वचन के अनुसार चल सकें, आपकी आज्ञाओं पे चल सकें। यस फादर लॉर्ड। प्रभु जी, हम पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपकी सामर्थ और आपके सपोर्ट को अपने करें, आपकी गाइडेंस को परमेश्वर हम दिन भर के लिए चाहते हैं। परमेश्वर, हमारी सहायता करें, हम अपनी बुद्धि से नहीं वरन आपकी बुद्धि से चलने वाले हो। प्रभु जी, हर एक गलती से, हर एक अपराध से हमें सब भाई बहनों को बचा के रखें। प्रभु जी, हम इस दिन में वो कार्य नहीं करने पाए जो परमेश्वर आपने हमारे लिए रखे हैं। प्रभु जी, हर एक पाप से, अपराध से मेरे खुदा हम सभी भाई बहनों के जीवन से दूर रखें। यस फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर, आपकी भलाई को हम सभी भाई बहनों के जीवन में मांगते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब भाई बहनों के जीवन में हमारी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी होने पाए परमेश्वर हमारे जीवन में और हम घटे। प्रभु जी, इस आज के दिन में अच्छे स्वास्थ्य को सभी भाई बहनों, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग आप दे मेरे परमेश्वर। और परमेश्वर, हम सभी भाई बहनों के जीवन से हमारी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी होने पाए। धन्यवाद करते परमेश्वर आज के वचन के लिए, जिससे परमेश्वर आपने हम सब से बातचीत किया और हमें उत्साहित किया। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने सभी भाई बहनों के मनों को तैयार करा ताकि परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन सके, इस संगति को अटेंड कर सके। सच में परमेश्वर, ये सब कुछ आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है। परमेश्वर, आप हर एक के जीवन में कार्य करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सभी भाई बहनों के जीवन में कार्य किए हैं। आपने बड़े बड़े छुटकारे किए हैं, आपने बड़ी बड़ी चंगाई दी हैं, आपने बड़े बड़े रोगों से छुड़ाया है, अपने दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया है। मेरे खुदावन, आपने हम सब भाई बहनों के जीवन में आश्चर्य कर्म किए हैं, हमारे दुखों को दो भागों में किया है। जैसे परमेश्वर आपने लाल समुद्र को दो भाग किया, ऐसी परमेश्वर आपने हमारी परेशानियों को दो भाग किया है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे प्यारे खुदा, हम आपके वचन के अनुसार चल सकें। परमेश्वर, जो भी काम आपने हम सभी भाई बहनों को दिए हैं परमेश्वर, हम उन कामों को बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के कर सकें। प्रभु जी, हम मन से उन कामों को कर सकें क्योंकि मेरे खुदा, हर एक काम आपने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यदि मेरे प्यारे पिता, इनके जीवन में कोई ऐसे काम है, इनकी ऐसी जॉब है, ऐसा बिजनेस है जिसमें परमेश्वर, कुछ लोग ऐसे होते हैं टेढ़े और हटीले होते हैं, मेरे परमेश्वर उनके बीच में रहने के लिए परमेश्वर इनके मन को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। सच में परमेश्वर, प्रभु हम सभी भाई बहन आपकी निष्कलंक संतान बन सके। परमेश्वर, हम ऐसे लोगों के बीच में भी आपकी संतान बने रहें, के वचनों में बने रहें और उनके बीच में
आपके वचन का प्रचार कर सकें और आपके जलते हुए दीपक के समान हम दिखाई देते रहें। यस फादर लॉर्ड, धन्यवाद मेरे प्रभु जी। बहुत से परिवार ऐसे हैं, बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो परमेश्वर कुछ कामों को करते करते परमेश्वर कुड़कुड़ाने लगती है। मेरे खुदा, आप उन्हें आशीषित करें, पवित्र आत्मा उनकी सहायता करें, ताकि प्रभु एक दूसरे से प्रेम के साथ रह सकें। परमेश्वर आपके वचन के अनुसार बिना कुड़कुड़ाए उन कामों को कर रहे जो परमेश्वर टेढ़े लोगों के बीच में रहते हैं, उनको भी आपके वचन का प्रचार कर सकें, आपके वचन को बता सकें। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में काम कर दिए हैं, हर एक भाई बहन को बदल दिया है। थैंक यू फादर लॉर्ड। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी जन परेशान है, बीमार, चिंतित है, परमेश्वर उनकी बीमारियों को, उनकी चिंताओं को उनके जीवन से दूर करें। मेरे परमेश्वर, ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जो एक दूसरे से निराश है, लड़ाई झगड़े की आत्मा उनके जीवन में कार्य कर रही है, बहुत से परिवार हैं। परमेश्वर, हर एक लड़ाई झगड़े की आत्मा यीशु के नाम में दूर होने पाए। परमेश्वर, आपका प्रेम उनके परिवार में, उनके जीवन में हम मांगते हैं। थैंक यू जीसस। मेरे प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जब बहुत से भाई बहन अपने जॉब के लिए, अपने रोजगार के लिए अपने घर से बाहर जाते हैं, परमेश्वर आपकी उपस्थिति इनके जीवन में मांगते हैं। परमेश्वर, आपका वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तू जहाँ जहाँ जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। सच में मेरे परमेश्वर, आप हर एक भाई बहन के साथ रहने पाए और उनकी सहायता करें, उन्हें हर एक बुराई से, हर एक बुरी संगति से बचा के रखें। प्रभु जी, हम पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक भाई बहन के कामों को आपके हाथों में सौंपते हैं। और प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना और प्रार्थना का उत्तर हमें यस और आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना विनती को हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।